तरह से यहाँ का मार्केट देख सकते हैं, नॉनवेज की भरमार है। अरे भाई ये क्या है, एक तो मेरे को जी मास्क ने बड़ा दुखी किया है। हाँ तो देख सकते हैं ये मार्केट है फूड का, आई थिंक जैसे आपको रेडीमेड फूड मिल जाएगा खाने के लिए। ये नॉन वेज की वैरायटी है, इसमें आपको हर तरह का फूड मिल जाएगा। कुछ इस तरह से दिखता है मार्केट। नॉर्मली यहाँ पे नहीं होती जगह लोगों के चलने की, मगर आज मैं संघर्ष से उतार ही दूँ, मेरे को ये फोक की वजह से परेशान कर रहा है। ओके तो ये सैंडविचेस है अतुन के, अतुन यानी यहाँ की एक फिश होती है, देख सकते हैं। World Reserve Champion, very good. Hola amigo. कुछ इस तरह से लोग बैठ के यहाँ पे इंजॉय करते हैं, दोस्त यार, ऑफिस वाले, आसपास वाले, फैमिली वाले। और ये ऊपर से फुहारा देख रहे हो आप, ये गर्मी की वजह से इन्होंने ठंडा फुहारा लगा रखा है। और ये हर 5-7 मिनट वो मेरा कैमरा, ये शानदार बाहर है। कुछ इस तरह से मार्केट ऊपर से कवर है। तो 80 साल पुराना मार्केट। और इसकी 4 एंट्रेंस है, 1, 2, 3, 4, 6 एंट्रेंस है, सॉरी। और ये गर्मी से बचने के लिए उन्होंने फुहारे लगा रखे हैं कस्टमर के लिए, जो हर 5-7 मिनट के अंदर इस तरह से पानी फेंकते हैं। और आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा क्योंकि पूरी एयर कंडीशन है यहाँ पर। खाने की भरमार है, मगर वेजिटेरियन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, कोई जाना। एक हमोन और पुरानी फिश, रिजर्व फिश है, उसके बाद ये सलाद, ये तुर्तिया, ये तुर्तिया ऑमलेट होता है एक्चुअली में, और अंडे के साथ बनता है, एग के साथ, और ये ब्रेड के साथ उनके। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा सी फूड के दीवाने हैं, और इस तरह से इन्होंने शैम्पियंस वगैरह लगा रखी है बर्फ़ के अंदर ठंडी ठंडी। गर्मी में आप इंजॉय करना चाहें तो यहाँ पे ठंडी ठंडी शैम्पियन ले सकते हैं, और यहाँ से फिश का पोर्शन लेके आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, अरे पानी, अरे देखो कितना सुंदर इन्होंने बना रखा है। मेरे को अच्छा लग रहा है मार्केट ये, एक्चुअली मेरे भी लंच का टाइम हो गया। और ये वेज पेस्ट्रीज वगैरह देख रहे हैं आप, इसमें आपको केक पेस्ट्रीज वगैरह मिल जाएगी। ये आलमंड पेस्ट्री है, और ये इनका ट्रेडिशनल फूड है, जिसको आप जैसे हम इंडिया में घेवर बना के खाते हैं, वैसे ही इनका यहाँ का लोकल घेवर है। यह हैंडमेड चॉकलेट, कोई डेकोरेशन के लिए उन्होंने बना रखा है सी फूड। आइसक्रीम शॉप भी है, मगर आइसक्रीम शॉप तो एक भी कस्टमर नहीं है गर्मी में भी, ऐसा कैसे हो सकता है।
काफ़ी अच्छी शॉप है, नाइस। पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा के दीवाने वेज नॉन वेज 3.5 में आपको मिल जाएगा, ऐसे पोर्शन आपका पेट भर जाएगा। 4 यूरो में अतुन खमोन और केसो, खमोन यानी बफेलो जिसको इंडिया में सांड बोलते हैं आप लोग, उसके बाद खमोन केसो, रोबोटोरो, खमोन एक टमाटे, ये सब छोटे छोटे पोर्शन बना रखे हैं उन्होंने, बड़ी बड़ी चीज़ें बना के। ओला, और ये है पाया, इसको बोलते हैं पाया, ये एक तरह की बिरयानी होती है। ग्रास एक तरह मेरा यह तरवाखानों पर यूट्यूब आप होने इस तो वीडियो पर यूट्यूब इस तो वीडियो आप होने पर यूट्यूब के कनाल और उनको चैनल का नाम बताता हूँ, एक सेकंड होल्ड करें आप। चाओ, मुझे अच्छी औरतें दी उनको, एक्चुअली अपने सब्सक्राइबर भी अपने ग्राहक भी बना रहा हूँ और आप लोगों की सेवा भी कर रहा हूँ। उसने कहा मुझे कि चैनल करना, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, जा रहा हूँ टेंशन नहीं करो, मैं फेक सब्सक्राइबर नहीं चाहता हूँ। उसने मुझे पूछा इसलिए मैंने उसको बताया। और ये खमोन है जैसे आप देख रहे हैं, खमोन के यहाँ पे काफ़ी दीवाने हैं और बुल फाइटिंग आपको मालूम ही है स्पेन के अंदर फेवरेट है। ये उसको तरह तरह की शेप में बना के खाते हैं, ये देखो वो अंदर कटाई चल रही है। केताल एतो के तोरो एतो के कोर्तान लो, हाँ हाँ ये देखो ये बना रहा है आर्टिफिशियल, ये बड़े बड़े पीस से आते हैं इनको, उसके बाद इनको छोटे छोटे पीस करके ये बेचते हैं। और ऐसे दुकानों में सजा हुआ मिलता है आपको खमोन, जैसे आप पहले मेरे वीडियो में देख चुके हैं, जितना पुराना उतना महंगा। ये देखो ये खमोन का लेग पीस है जो मैं समझता हूँ लिखा हुआ है खमोन सरानो उनो खमोन दशहरो, ये कम से कम 9 साल पुराना है और इसके ऊपर एक सी पेस्ट लगती है जिससे ये ख़राब नहीं होता और इस तरह से लोग इसको घर में लगा के खाते हैं। आपको पहले मैं वीडियो में दिखा चुका हूँ, जो नए लोग हैं वो मेरे पुराने वीडियो जाके देख के उनमें देख सकते हैं। और ऐसे उसमें स्लाइस काट के होटलों में सर्व भी होते हैं, लोग अपने घरों में फैमिली में भी बारों में लगा के रखते हैं। टोटली मीट है, जो नॉनवेज खाता है ये आप वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो चल रहा है। हाँ ये सुअर है पिक, मगर ये वाला पिक नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, इंडिया वाला जो गंदी नालियों में इन पिकों को बादाम खिलाए जाते हैं, इनको हरी घास खिलाई जाती है और उनका पालन पोषण एक अच्छे जानवर की तरह फार्म हाउस में होता है, ऐसे उनका बोरा बन के रखा जाता है और उसके बाद इनको ये यूज़ करते हैं, इनका ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन फूड, और इससे बुकादियों बना के खाते हैं। चलो आगे, और ये फ्रूट एरिया है, ये फ्रूट बेच रहे हैं, जलजीरा, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, इसमें आपको जो भी फ्लेवर चाहिए आपको मिल जाएगा। और जो मेन्यू है आप देख सकते हैं, ग्रासिया अमीगो 5 यूरो का छोटा ग्लास और बड़ा 7 यूरो का, और इसमें आपको फ्रूट नट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। और ये इस तरह से इन्होंने काट के रखे हुए हैं जिसमें बनाना है, वेजिटेबल, स्ट्रॉबेरी है, अनानास है, ब्लैकबेरी है, ऑरेंजेस है, और ये ड्राई फ्रूट्स। और ये फ्रूट, और इसके बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, एप्पल, बनाना, सेब, ये आप लोगों को मालूम होगा।
और ये इनकी प्यारी सी शॉप है, देखें। ये पूरी मार्केट में अच्छे फवारे लगा रखे हैं इन्होंने और यहाँ अच्छा सा फील हो रहा है मेरे को भी, गर्मी नहीं लग रही है एटलीस्ट। तो ये मार्केट का टूर हो गया, अभी कुछ खा पी लिया जाए। एक्चुअली मुझे भी भूख लग रही है, मगर मैं सोच रहा हूँ एक जगह और कवर करके उसके बाद मैं कुछ खाऊं। और एक तरह से ये बियरें हैं, देख रहे हो, इनमें बियरें यहाँ पे सिलेंडर में मिलती है, इंडिया की तरह नहीं बोतलों में मिलती है, बियरें सिलेंडर में मिलती है और उनका सिलेंडर का वजन होता है 15 किलो 20 किलो, और उसके बाद इस तरह से पाइप लगा दिए, हेडपम्प की तरह पाइप लगा दिए जाते हैं और ग्राहकों वहाँ से सर्व होता है। और वरुण भाई, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे थोड़ा गाइड करें कैसे होगा, मैं नया नया हूँ, शुरुआत ठीक से की है मैंने, मगर देखें आगे क्या बनता है। आपसे मिलना ज़रूर चाहूँगा जब इंडिया आऊँगा। तो चलो दोस्तों, अभी ये हो गया यहाँ का, इस मार्केट को बोलते हैं बाय बाय और बाय बाय को बोलते हैं अदियोस स्पेनिश में। तो निकलते हैं यहाँ से और फिर चलते हैं एक दूसरी जगह पे और मिलते हैं आप लोगों से एक बार दोबारा से। ये फिश की साइज़ देखो और ये फिश की आइज और ये फिश का मुंह और ये फिश। ओके देन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्लेस। एक्चुअली आप लोगों के चक्कर में आज मैं अपने इंग्लिश क्लाइंट को कुछ बोलना ही भूल गया, ना उनसे दुआ सलाम किए, ना उनको हाय बोला है, ना हेलो बोली है, ना उनको बताया मैं कहाँ पर हूँ। चलो उनके लिए मैं दूसरा कोई वीडियो बनाऊँगा, हाल फिलहाल आपको राजी करें आज। तो चलो दोस्तों, अभी दूसरी जगह चलते हैं, तो यहीं बार बार बोलते हैं।